आज 22 जुलाई अरमान मलिक का बर्थडे है। आइए अरमान मलिक के बर्थडे पर आपको उनके बारे में जानने लायक कुछ बातें बताएं। अरमान मलिक गाते थे जिंगल। अरमान मलिक सारे गमा पर लिटिल चैंप्स 2005 के फाइनल्स रह चुके हैं और अब तक लगभग 200 एड्स और जिंगल्स में अपनी आवाज दे चुके हैं। सो मेनी मूव्स फॉर अरमान मलिक। अरमान सबसे कम उम्र के दादा साहेब फाल्के अवार्ड के और फिल्म फेम अवार्ड में आरडी बर्मन अवार्ड के विनर रह चुके हैं। वो लंदन के विम्बली थिएटर में लाइव परफॉर्म करने वाले सबसे कम उम्र के बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं अरमान मलिक ने लिटिल स्टार अंताक्षरी को होस्ट किया था। अरमान मलिक 9 साल की उम्र से तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी और इंग्लिश जैसे विभिन्न भाषाओं में गाना गा रहे हैं। बचपन में अरमान ने अनु मलिक और जूही परमा के साथ लिटिल स्टार अंताक्षरी को होस्ट किया। अरमान मलिक द डायनामिक डुओ। उन्होंने यूनिवर्सल म्यूजिक के तहत 18 साल की उम्र में अपना सोलो एल्बम अरमान रिलीज किया। उनके बड़े भाई अमाल मलिक ने इस एल्बम का साउंड प्रोडक्शन किया था। अरमान मलिक अमेयर ऑफ मेरी टैलेंट्स। 2009 में अरमान ने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बॉस्टन से म्यूजिक स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए ऑडिशन दिया। उन्होंने यशराज फिल्म द्वारा बनाई गई फिल्म माय नेम इज खान में एक इंग्लिश लड़के का किरदार के लिए डब किया। उन्होंने बीबीसी रेडियो 1 के स्लमडॉग मिलियनेयर के रेडियो वर्जन में सलीम के कैरेक्टर को भी अपनी आवाज दी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए फैक्ट मीडिया के साथ बने रहिए।